मेरा नाम गुरबाग सिंह और मैं मेरी इस वक्त जो उम्र है 80 साल तो ऊपर जा रही है, क्योंकि मैं शुरुआत दे विच ही अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिया, खान पान हाँ जी जिदे नाल के मैं इस वक्त ठीक ठाक हाँ, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं है। दूसरी गल ये है, सेहत नूं ठीक रखन वास्ते अपने वास्ती गल है, असी मैं शुरुआत तो ही पहलों मेरे को कार सी, मोटरसाइकिल सी, स्कूटर सी। उस तो बाद मैं मिल्खा सिंह जी मेरे गुरु भी रहे ने। गुरु का भाव यह होंगे जिन्हों के असूलों पर चले वह गुरु होंगे। दूसरी गल यह है, उन्होंने मैंने इको गल कही सी भी अपनी सेहत को ठीक रखने वास्ते तुसी पैदल तुरो, पैदल जिन्ना भी तुर सकते जे उन्ना तुरो, ताकि तुहाडे जो अंदरले इंस्ट्रूमेंट आ वो ठीक ठाक रहन, जिदे नाल तुहानूं कोई बीमारी नहीं आ सकती, कोई तकलीफ नहीं आ सकती, कोई किसी किस्म की जो भी शरीरक वो कमजोरी नहीं आ सकती। और इन चीज़ों पर मैं बहुत अमल किया और जिन्हें भी बड़े बड़े एथलीट होए ने उन्होंने समझ की कोशिश की, उन्हों की खुराक न समझ की कोशिश की, उन्होंने रहन सहन हर एक चीज़ की मैं कोशिश की। और ये शरीर के नाल संबंधित हैं, क्योंकि जे मैं उदों तो ही फैसला किया मैं अपनी लाइफ के जिन्ना भी तुर सकता हाँ वो मैं मिसाल दिना हाँ। कई दफ़ा मैं जदों लुधियाने तो या अमृतसर तो आ रहा हूं तो मैनू जब मौसम चंगा लगता है तो मैं लुधियाने ही बस स्टैंड तो उतर के साने आल तक तकरीबन पैदल ही आना। ये किसी वास्ते नहीं, ये मैं अपने शरीरक तौर पर इनू ठीक रखने वास्ते इस चीज़ को अपना। जां कई दफ़ा मैं इधर चंडीगढ़ या होर इधरों आना तो मैं सरहंद उतर के मेरी कोशिश ये होंगी है भी मैं खन्ने तक पैदल तोरा, जिदे नाल मेरे शरीर के जिन्ने बॉडी के हिस्से ने, जिन्ने बॉडी के सर्कुलेशन है वो सारा ठीक रहिंदा, उहदे नाल उम्र भी वधदी। लोग कह देंदे जी कुदरत दे वस है, ठीक है, मगर इहनू रखण वास्ते इंसान दे अपने कुछ असूल बनाने चाहिए आ, अपनियां कुछ ऐसियां सोच नूं उपर चुकना चाहिए जिदे नाल तुहाडी सेहत दे विच कोई प्रॉब्लम ना आवे, कोई किसी किस्म की बीमारी ना आवे। असीं डॉक्टरां आने आ, डॉक्टर नब्ज़ वेखदा देख के तुहानूं दवाई दिंदा, पैसे की है 200 दे दिओ। कभी किसी इंसान ने यह नहीं कहा जी 150 लै लो, 125 लै लो, नहीं, असी उस दा 200 दिने आ। असी इन चीज़ों तो उपर उठ के असी अपनी सेहत का क्यों नहीं ख्याल रखते। इहदी एक एग्जाम्पल मैं दिना तुरन दी, स्विट्जरलैंड दे विच एक 19 साल का बच्चा जिन्हें कि साधु धर्म अख्तियार किया, वो हिंदुस्तान विच आया तकरीबन 15,000 किलोमीटर सफ़र का वो पैदल, यानी 5 साल के विच हिंदुस्तान अपने हरिद्वार पहुँचा। वो इंटरव्यू हुई है, मैं बड़े अच्छे ढंग ना देखी है, ताकि उस तो इन्ना सबक मिलया नहीं, जीवन जड़ा है चलती का नाम चलते ही चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। वो सेहत ठीक, खाण पान सब तो ज़्यादा जरूरी, अपना खाण पान ठीक रखो। खाण पान वेले असी बहुत गलतियां कर जाने, सिंपल खाना होना चाहिए। असी बाज़ार जाने गोल गप्पे खा लै, चाट खा लै, और चीज़ा खा लिया जिदे नाल के शरीर के ऐसा बीमारियां लग जांदियां। अगर तुहाडा जी करदा खाण पीण नूं, तुसीं अपने घर जाओ, घर दे विच बना के उन्हां चीज़ां नूं खाओ जिदे नाल तुहानूं कोई तकलीफ नहीं हो सकती। उत्थे तुसीं जाओ, सब तो पहला तो उन्हां दे कपड़ियां नूं देखो किन्ने गंदे हुंदे ने, उस तो बाद उन्हां दे हत्थां नूं कदी वेखण दी कोशिश करो किन्ने हुंदे ने, फिर उन्हां दा जिथे वो रेहड़ी खड़ी करदे उस माहौल मक्खियां ही तुरियां फिरदियां ने, उत्थे वो जिहड़े खाने उन्हां ते बैठ, फिर बाजार चो जो लैंदे आ सब घटिया चीज़ लैंदे आ, आलू लैंदे ने, टमाटर लैंदे ने, ये चीज़ा कोई सही नहीं होंदिया, बिल्कुल गलत ने। उन्होंने सानू ना बनू के सानू खवाल देने जिदे नाल असी बीमारियों के शिकार हो जाने, सानू इन्हां च गुरेज रखना चाहिए। आप सेहत आ ते सब तो मैं कई बार देखा जदों सवेरे उठदा वा बाजार च मैं तुरया जा गली च तुरया जाना, उत्थे कई उन्हां दी सेहत इन्नी भारी ज़्यादा, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, चाहे कोई भी होवे, चाहे लेडीज़ होवे, चाहे जेंट्स होवे, उहदे नाल इह है अच्छी उम्र बतीत कर सकते जे, डॉक्टरों का खेड़ा छुड़ जांदा है। इस करके ज़्यादा तो ज़्यादा पैदल तुरना चाहिए। कई दफ़ा मैं मतलब अखबार लैन जाना बस स्टैंड के लागे, तो मैं पार्क के देखदा हाँ कई लोग
ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਲੋਕਲ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕ ਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਲੋਕਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਲਿਮਿਟਡ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਹੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੋਰ ਚੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਠਹਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਮੋਬਲਾਈਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਅਗਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਲ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਥ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਪੀਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖੂਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।